हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली बिटकॉइन फॉल हो रहा है उसके पॉसिबल रीजन के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे दो इलेक्ट्रोनियम एंड के एक्सपीरियंस पॉइंट का, हम आज रिव्यू लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि अभी इस डाउनफॉल में हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा हर एक अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट। आज के हम अगर मार्केट की बात करें तो आप देख रहे होंगे मार्केट करेक्शन में है, लेकिन करेक्शन में अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये मोर देन परसेंटेज चला गया है। बिटकॉइन कैश 10% डाउन जा चुका है, ईओएस 16% डाउन जा चुका है, आयोटा 12% है। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखेंगे आयोटा 11 हो गया है, ट्रॉन 11 हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखेंगे मोर देन करेक्शन आपको दिखाई देगा, और जो टॉप 100 कॉइन है उसमें से आपको दो चार ही ग्रीन में दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ये रीज़न क्या है। बिटकॉइन फॉल का भी रीज़न बात करेंगे। अभी बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो ये 9,000 के काफ़ी नीचे चला गया है, $8,458 ये फिलहाल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं इसके पॉसिबल टू रीजन्स। तो सबसे पहला रीज़न लेते हैं फ्रेंड्स, साउथ कोरियन जो लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है अपबिट इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। तो फ्रेंड्स, मैं इसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, पुलिस है, उन्होंने इसके इन्वेस्टिगेट किया है। इसका रीज़न हो सकता है जो उनके रूल रेगुलेशन है उन्हें एक्सचेंज फॉलो ना कर रहा हो। अब चूंकि ये वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा एक्सचेंज है तो इसका जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पे उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, अगर बिटकॉइन पे फ़र्क पड़ेगा तो आप ये समझ सकते हैं, मैं आप प्रीवियस वीडियो में बता सकता हूँ किस तरह ऑल्ट कॉइन का प्राइस नीचे ले आते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड हम रीजन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है, करीब 8,200 बिटकॉइन एमटी कॉक्स वॉलेट से मूव किए गए हैं सेल ऑफ डंप के लिए। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी अगर हम क्वांटिटी को अचानक मार्केट में डंप कर देंगे तो डेफिनेटली प्राइस नीचे आने के ह्यूज चांस होते हैं। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। फ्रेंड्स, ये बैंकरप्ट हो चुका है, एक एक्सचेंज था मेटगॉक्स, तो वो अभी जो उनके पास बिटकॉइन है वो 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन थे वो उन्हें डंप कर रहे हैं टाइम टाइम। अब जैसे ही वो 8,000 10,000 20,000 डंप करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश बिहेवियर में, बियरिश बिहेवियर में उसका ह्यूज इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आर्टिकल पूरा पढ़ लेना, आप इसमें जहाँ www.ccn.com पे आर्टिकल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़ है वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट इसी पे डिपेंड करती है। अब से पहले मैंने आपको दो तीन जो वीडियो आई थी उनमें बताया था बिटकॉइन प्राइस 9,000 के नीचे जा सकता है, इसलिए आप सभी स्टॉप लॉस यूज़ करें। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आप लॉस में नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अब लेते हैं हम रिव्यू इलेक्ट्रोनियम कॉइन का। इलेक्ट्रोनियम कॉइन की करंट वैल्यू है $0.02, अभी 9.93% डाउन जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ अप आया था, फ्रेंड्स ये चला गया था करीब 316 सतोसी, तो ये ठीक ठाक थोड़ा अप जाने लगा था, लेकिन फिर से बिटकॉइन डाउन हुआ है, साथ साथ ही इलेक्ट्रोनियम डाउन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉप लॉस आपने इसमें यूज़ किया है तो आप इसे लॉस में नहीं होंगे, और ये फ्यूचर में जैसे ही अपना ऊपर जाएगा बिटकॉइन प्राइस, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनियम भी जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हम करते हैं नेक्स्ट कॉइन जो आज हम ले रहे हैं, एक्सपीरियंस पॉइंट। एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए मुझे कुछ कमेंट और मेल मिले थे कि एक्सपीरियंस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस कॉइन के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये करीब 33 सतोसी गया था। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने 25 सतोसी पे ये बाई क्या हो, और आज के अगर हम करंट वैल्यू से अगर इसकी कंपेयर करें तो 16 पर जो टाइम्स है वो उससे डाउन आ चुका है, 16 गुना अपने ऑल टाइम हाई से डाउन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी सेम है, मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, जब भी बिटकॉइन प्राइस अप जाएगा पैरेलली ये जाएगा, और जैसे हम रिकवर करते हैं अपनी पहले सीड मनी निकाल लेनी है, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते अभी, सिर्फ आपको पैसेंस रखना है, होल्ड करना है अगर अभी ये डाउन में है। अभी बात करते हैं लास्ट पॉइंट जिसके बारे में कहा था, बिटकॉइन डाउन आने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, इसमें यह है, अभी मार्केट बुलिश बिहेवियर में फिर से जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, मैं फिर से वीडियो आपको बना के फिर बताऊंगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जिन
अगर आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी का रिग्रेशन था कि मैंने खरीद नहीं पाया, जैसे आयोटा अप जा रहा था और सारे कॉइन अप जा रहे थे, ट्रॉन अप जा रहा था, आप उन्हें फिर से बाई कर सकते हैं, आपके पास फिर से चांस है क्योंकि ये डाउन आ चुका है। तो फ्रेंड्स अभी फिर से अप जाएगा, आपके पास अभी भी टाइम है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं अपनी एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि इस साल के अंत तक दिसंबर 2018 तक ये बिटकॉइन प्राइस कहाँ तक जा सकता है और साथ साथ आल्ट कॉइन का भी प्राइस कहाँ तक जा सकता है। फ्रेंड्स उस वीडियो को जरूर देखेगा, उससे आपको पता चल जाएगा मार्केट अभी कहाँ है, दिसंबर 2018 तक कहाँ पहुँच जाएगी और आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो सकता है। फ्रेंड्स अगर वो सब चीज़ें देखेंगे आपको ह्यूज प्रॉफिट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा हर एक अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।